तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योनो एसबीआई ऐप के थ्रू आप जो है कार लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे कि इसमें क्या फीचर्स बेनिफिट मिलेंगे, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे जहाँ पे हम आपको योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू बता सके आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आना है योनो एसबीआई की ऐप पे। यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, हमको जाना है लोन्स के सेक्शन पे। जैसे आप लोन्स के सेक्शन पे जाते हो यहाँ पे देखिए काफी सारे आपको लोन मिल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपको होम लोन मिल जाएगा, कार लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन मिल जाएगा, गोल्ड लोन मिल जाएगा, एजुकेशन लोन मिल जाएगा और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कार लोन के बारे में। तो कार लोन पे जैसे आप जाओगे यहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसके फीचर्स देखते हैं तो लो इंटरेस्ट रेट और ईएमआईज है, मैक्सिमम आप 7 सालों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। आपको ऑन रोड प्राइस में जो है फाइनेंस करा जाएगा। आप जो ऑन रोड प्राइस में होगा वो आपका एक्स शोरूम प्राइस होगा, व्हीकल का जो आरटीओ का रजिस्ट्रेशन होता है वो होगा, अलावा रोड टैक्स होगा और 1 साल का इंश्योरेंस भी आपका कवर होता है। ये सब चीजें ऑन रोड प्राइस में होंगी, ऑन रोड प्राइस पर ही जो है फाइनेंस करता है एसबीआई बैंक। 0 प्रीपेमेंट पेनाल्टी लगेंगी, कोई भी फॉरक्लोजर चार्जेस नहीं होंगे अगर आप 1 साल के बाद जो है अपने लोन को बंद कराते हो। उससे पहले कराते हो तो आपको फॉरक्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हो इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिसकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 70 ईयर के तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड तो आपके पास होना ही होना चाहिए। अब जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम 25,000 रुपए होनी चाहिए यहाँ से कार लोन लेने के लिए। अब जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो फार्मर वगैरह है, काम करते हैं कुछ एग्रीकल्चर जुड़ा, तो उनकी नेट एनुअल इनकम मतलब ईयरली इनकम उनकी 4 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए यहाँ से लोन लेने के लिए। अगर आप सिंगल बोरोवर हो तभी आप जो है योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जो है मान लीजिए आप को बोरोवर ऐड कराना चाहते हो तो उस केस में आपको ब्रांच में जाके जो है विजिट करना पड़ेगा और वहां से ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये अगर आप सिंगली हो तो सिंगली आप जो है अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट देखिए यहाँ पे आप टेन्योर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। जैसे कि अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है और 3-4-5 साल के लिए अगर आप लोन लेते हो तो 9.05 से स्टार्टिंग होगी, और 5 साल के ऊपर मतलब 6 और 7 साल के लिए कार लोन लेते हो तो 9.15 से स्टार्टिंग होगी। इसके अलावा 775 से 799 है तो 9.20, 757 से 774 के बीच में सिविल स्कोर है तो 9.30, 721 से 756 है तो 9.55, 700 से 720 है तो 9.80, 650 से 699 है तो 9.90। और अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, कोई भी आपका सिविल स्कोर नहीं है, तो आपको 9.30 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाएगा, 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस जो है आपकी 750 रुपए से 1500 रुपए तक लग सकती है, ये आपकी प्रोसेसिंग फीस रही, और इसमें 18% की जीएसटी भी जो है इंक्लूड रहेगी, तो ये आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन हमको क्या क्या देने पड़ते हैं दोनों एसबीआई बैंक से कार लोन लेने के लिए। तो देखिए पैन कार्ड जो कि मैंडेटरी यहाँ पे देना ही देना पड़ेगा, इसके अलावा लास्ट 6 महीने का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी आप दे सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो जो है 2 देनी पड़ेगी आपको, ओरिजिनल प्रोफॉर्मा इनवॉइस जिसमें आपका कोटेशन वगैरह होगी कि कार का एक्स शोरूम प्राइस क्या है, आरटीओ उसमें कितना लग रहा है, इंश्योरेंस उसका कितना होगा और ऑन रोड प्राइस, तो ये इनवॉइस बना के आपको जो है बैंक में देना पड़ता है, तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। मार्जिन मनी रिसिप्ट भी हो गई, वो आपको देना पड़ेगा कि आप अपनी तरफ से जो है डाउन पेमेंट कितनी कर रहे हो, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा पोस्ट डेटेड चेक भी आपको जो है 3 देनी पड़ेगी। इसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप जो सैलरीड एम्प्लॉय होंगे उनको लेटेस्ट सैलरी स्लिप 1 महीने की देनी पड़ेगी। इसके अलावा वो फॉर्म 16 और ITR भी दे सकते हैं, लास्ट 2 ईयर का उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन है उनको ITR लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपसे मांगे जा सकते हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं योनो एसबीआई बैंक से कार लोन लेने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हो, काफी अच्छे ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कैलकुलेट ईएमआई, जैसे आप इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, बाई इनकम जो है आपको कैलकुलेट करना है या बाई व्हीकल कॉस्ट जो है ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इनकम के तौर पे, अगर मेरी ईयरली इनकम जो है यहाँ पे 3 लाख रुपए है, मान लीजिए हमने ईयरली इनकम 3 लाख रुपए डाल, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले बता दिया कि 3 लाख रुपए अगर मेरी ईयरली इनकम है तो मैक्सिमम मैं 12 लाख रुपए तक का जो है कार लोन का अमाउंट ले सकता हूँ। और यहाँ पे आप टेन्योर भी सेलेक्ट कर सकते हो, टेन्योर मैक्सिमम 84 मंथ के लिए देखिए आपको यहाँ पे लोन मिलता है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो कि हमको मान लीजिए 12 लाख का लोन अमाउंट नहीं चाहिए, हम 12 लाख लोन लेने के लिए एलिजिबल तो है लेकिन हमको लोन अमाउंट 5 लाख रुपए का चाहिए, तो 5 लाख का हमने अमाउंट डाला।
अब इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कितने टेन्योर के लेना चाहते हो। तो मान लीजिए मैंने जो टेन्योर सेलेक्ट कर लिया 5 साल के लिए लेना है, तो मतलब 60 मंथ के लिए हमको लेना है। तो देखिए अगर देखिए यहाँ पे 60 मंथ हमने सेलेक्ट कर दिया, तो 3 लाख रुपए अगर मेरी एनुअल इनकम है और हमको 5 लाख का कार लोन लेना है, तो देखिए आप महीने की किस्त देख सकते हो 10,392 की मेरी ईएमआई बनेगी, जिसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.05% लिया हुआ है। तो यहाँ से आप इनकम के तौर पे जो है अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे बाय व्हीकल कॉस्ट के आधार पर भी जो है कर सकते हो कि मान लीजिए मुझे कोई 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है, तो 10 लाख का हमने यहाँ पे व्हीकल कॉस्ट डाल दी, तो 10 लाख पर मैं मैक्सिमम जो है एसबीआई बैंक हमको 8,50,000 रुपए का जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है। 10 लाख पे 10 लाख के अगर आप कोई व्हीकल खरीद रहे हो तो उस पे बैंक जो है हमको 8,50,000 रुपए का मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करेगा। 15% की आपको डाउन पेमेंट जो है करनी पड़ेगी। अगर हम 84 मतलब मैक्सिमम 7 सालों के लिए लोन लेते हैं 8,50,000 का, तो 13,698 की मेरी ईएमआई हमको पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई जो है यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हो। डायरेक्ट देखिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का भी लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप जो है यहाँ पे कार वगैरह भी एक्सप्लोर कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से बुक भी कर सकते हो, डायरेक्ट लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूनो मोटर्स का, तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे इनकी कारों की जो है पूरी लिस्ट वगैरह यहाँ पे खुल के आ जाए। तो देखिए यहाँ से आप इनकी कारें वगैरह जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। अब एक्सप्लोर में यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ही एक्सप्लोर आपको कार करनी है या ऑफर वगैरह देखने की यहाँ पे कौन कौन सा ऑफर चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एक्सप्लोर ऑफर पे क्लिक करते हैं, तो एक्सप्लोर ऑफर में देखिए यहाँ पे हुंडई की तरफ से इस समय यहाँ पे ऑफर आपको देखने को मिल रहा है। तो हुंडई के अगर आपको ऑफर वगैरह और चेकआउट करने, अगर आपको कोई हुंडई की ही जो है कार लेनी है, तो यहाँ पे देखिए आप हुंडई की जो है लिस्ट मिल जाएगी आपको। यहाँ पे ग्रैब द ऑफर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से देखिए आप जो है इंक्वायरी भी कर सकते हो और बुक द कार भी कर सकते हो। यहाँ पे इसके ऑफर वगैरह इंक्वायरी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हुंडई का ऑफर वगैरह यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे हमको और कोई कार के बारे में देखना है, तो यहाँ पे देखिए सर्च कार का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए काफी सारी जो है कारों की आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो या आप डायरेक्ट सर्च करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमको चाहिए मान लीजिए टाटा की पंच, तो इसको हमको लेना है, तो इसकी आप जो है डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। देखिए टाटा पंच जिसका आपको एक्स शोरूम प्राइस ऑन रोड प्राइस वगैरह बता देगा यहाँ पे कि क्या चल रहा है, और इसकी सारी लिस्ट देख सकते हो। इसके जो भी मॉडल वगैरह है, जो बेस मॉडल आता है इसका 5.83 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस में आता है, और यहाँ पे आप इसके जो है यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कौन कौन से मॉडल हैं उसके जो है प्राइस वगैरह आप यहाँ से डिटेल से देख सकते हो। आप जो है सिटी वगैरह भी जो है सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, और आप अपनी ईएमआई भी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा इसके कुछ की फीचर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई और कार कंपेयर करना है अब टाटा के पंच के साथ, जो है हमको यहाँ पे टाटा की नेक्सॉन का जो कंपैरिजन करना है, और यहाँ पे अपना वेरिएंट सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे एक्सी वेरिएंट हमने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, कंपेयर आप कार करोगे तो देखिए आपको कार का कंपैरिजन भी जो है यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे योनो एसबीआई में काफी अच्छा जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा कार लोन का, और यहाँ से ही देखिए आपको बुक ऑनलाइन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट बुक भी कर सकते हो और एसबीआई बैंक में, और योनो एसबीआई ऐप के थ्रू आप जो है कार लोन के लिए भी अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। तो ये हमारी देखिए इन्फॉर्मेशन रही योनो एसबीआई से आप कार लोन कैसे ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जो है कार लोन का मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट डिटेल से कैलकुलेट करना है, तो आप यहां से देख सकते हो। जैसे कि अगर हम यहां पे अभी हमने बताया कि अगर हम जैसे 5 लाख का कार लोन लेते हैं और अगर हमको 9.05 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही ऑफर करा जाता है, और अगर हमको 5 साल ये लोन लेना है, तो 10,391 की ईएमआई बनेगी, टोटल इंटरेस्ट आपको 1,23,479 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहां से देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स यहां से देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है योनो एसबीआई बैंक से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।